रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन है, यानी कि इस युद्ध को शुरू हुए करीब 250 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी जंग की आग बुझती नजर नहीं आ रही। रूसी सेना ने कल यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन को झुकाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी लगातार उसका जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेटो से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। नेटो ने यूक्रेन के नो फ्लाई जोन किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। नेटो ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा है कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। एक बार फिर नेटो ने पल्ला झाड़ा है इस लड़ाई से और कहा है कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग से नेटो पीछे हट गया है, इसका समर्थन नहीं करता है और कहता है कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन युद्ध पर नेटो ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि क्लस्टर बम से हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया जा रहा है, यह नेटो ने दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से भी दावा हुआ था कि क्लस्टर बम से हम पर हमला हो रहा है। अब वही दावा नेटो की तरफ से भी किया जा रहा है कि क्लस्टर बम से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। यह हमला रूस कर रहा है जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। नेटो ने एक बार फिर से यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध में नेटो नहीं कूदेगा। मदद करने का मतलब है विश्व युद्ध, यह नेटो की तरफ से बयान आया है। यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है, यह नेटो ने कहा है, और यूक्रेन का एयर स्पेस हम मुक्त नहीं करा सकते। यानी कि हर मोर्चे पर एक तरह से नेटो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नेटो यह कहकर इस युद्ध से दूर है कि अगर हम मदद करते हैं तो फिर यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। यूक्रेन का एयर स्पेस जिस पर रूस का कब्जा है, उस एयर स्पेस को हम मुक्त नहीं करा सकते। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने बड़ा बयान दिया है। दिमित्रो कुलेवा ने अपने बयान में नेटो पर हमला बोला है। यूक्रेनी लोगों का मानना था कि नेटो एक ताकत थी और यूरोपीय संघ कमजोर और अनिर्णायक था, लेकिन यूक्रेनी लोगों ने देखा कि सच कुछ और था। यूरोपीय संघ में चरित्र था, ताकत थी, उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिबंध लागू किए, लेकिन नेटो कुछ नहीं कर पाया। अब सब कुछ सहयोगियों की दया पर है, यानी कि द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर है। ये एक कमजोरी है जिसके लिए दुर्भाग्य से गठबंधन भुगतान करेगा। तो नेटो और यूक्रेन के बीच अलग घमासान शुरू हो गया है। नेटो ने यूक्रेन की बड़ी मांग को ठुकरा दिया है। देखिए कैसे नेटो ने पहला लड़ाया और फिर पराया कर दिया। यूक्रेन के वायु क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जाए, ये यूक्रेन ने कहा। नेटो ने कहा कि यूक्रेनी एयर स्पेस को हम मुक्त नहीं करवा सकते। यूक्रेन ने कहा कि उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र हमें घोषित किया जाए। नेटो ने कहा कि अगर ऐसा किया तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन ने कहा नेटो देश यूक्रेन को फौजी मदद दे। नेटो ने कहा कि रूस के साथ युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन ने कहा नेटो यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण दे। नेटो ने कहा कि हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। यानी कि नेटो हर मोर्चे पर पीछे हट गया। तो देखिए यूक्रेन ने किस तरह से अलग अलग मांग की और नेटो ने हर उस मांग को खारिज कर दिया, चाहे वो एयर स्पेस को मुक्त करवाने की बात हो या फिर उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग हो। नेटो ने कहीं भी यूक्रेन का साथ नहीं दिया। फौजी मदद के नाम पर नेटो कहता रहा कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर विश्व युद्ध का रूप ये युद्ध ले लेगा, हम अपनी सेना को वहां नहीं भेजेंगे। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.